ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से चारों तरफ सिर्फ तहलका मचा हुआ है, कुछ एस्पेक्ट्स में यह वरदान भी साबित हो रहा है। हाय गाइज, मैं हूँ राकेश गुजर और आप देख रहे हैं राकेश प्रैक्टिकल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालें। कोरोना वायरस से पूरा देश लॉकडाउन है, मनुष्य अपने ही घरों में जेल की तरह कैद है, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह बंद है, मार्केट क्लोज है, इकोनॉमी ठप पड़ी है और शेयर मार्केट गोते लगा रहे हैं। इस हिसाब से तो लगता है कि कोरोना वायरस एक अभिशाप है, लेकिन ये तो था इसका नेगेटिव साइड और हर कोई सिर्फ इसी की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड्स की, और वो भी कुछ वेरीफाइड डेटा और तस्वीरों के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट, कोरोना वायरस के कारण कितने लोग अभी जिंदा हैं जो शायद अभी मर चुके होते। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस से लोग बच कैसे रहे हैं, तो चलिए इसे समझते हैं WHO की वेबसाइट से। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट। इस वेबसाइट के अनुसार दुनिया में हर वर्ष 13 लाख से ज़्यादा सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा देते थे, यानी रोज 4000 से ज़्यादा लोग इसी वजह से मर जाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सेफ है। और रोचक बात यह है कि इन एक्सीडेंट से मरने वाले की औसत उम्र सिर्फ 25 वर्ष है, वहीं कोरोना वायरस से मरने वाले की औसत उम्र 50 वर्ष से भी ज़्यादा है। जिन जंगलों को मनुष्य अपना समझकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जानवरों को अपने ही घरों से बेघर कर दिया था, उन जगहों पर आज मनुष्य उसी तरह कैद है जिस तरह चिड़ियाघर में जानवर कैद होते हैं, और यह देखने को मिला कई लॉकडाउन किए गए शहरों और गांवों में। वो इंसान जिसे समय नहीं मिलता था अपने परिवार से मिलने का, उनसे बात करने का, आज वो इंसान सब कुछ भुलाकर अपने घर वालों के साथ भरपूर समय बिता रहा है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी फैक्ट्रीज, चिमनीज, कार और वो सभी साधन बंद हैं जो वायुमंडल को दूषित करते थे, और इससे सिर्फ मानव ही नहीं पूरा प्राणी जगत स्वच्छ सांस ले पा रहा है। नदियाँ जिन्हें इंसान साफ करने का झूठा वादा तो करता था, लेकिन असल में वो ही इंसान इन्हें गंदी करने में अपना पूरा योगदान देता है। वो नदियाँ अब प्राकृतिक रूप से स्वच्छ हो रही हैं क्योंकि वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हैं और इंसान भी उतने नहीं हैं जितने हुआ करते थे। खैर, प्रकृति के लिए लॉकडाउन कितने ही अच्छे हों, ऐसी महामारी कई दिनों में एक बार आती है। हम इसे लड़ ही लेंगे। लॉकडाउन खुलेगा, आवाजाही शुरू होगी, इंसान फिर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन इस कोरोना वायरस से हमें एक सबक जरूर लेना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता। वाकई सबसे ऊपर है तो अपना कर्म और अपना धर्म। ऐसे में हमें उन बेजुबानों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके हिस्से की जमीन हम इंसानों ने हड़प ली, क्योंकि मर्ज तो कभी ना कभी आनी ही है, फिर चाहे कोरोना से आए, एक्सीडेंट से आए या फिर किसी बीमारी से। एंड दिस इज बिटर ट्रूथ, ऐसे में अच्छे काम करते रहिए। बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि पानी उतना ही काम में लें जितना आवश्यक हो, चाहे आप नहा रहे हों, हाथ धो रहे हों या फिर कपड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना महामारी तो चली जाए और उसकी जगह ले ले इससे भी बड़ी समस्या, वाटर क्राइसिस। धन्यवाद।